हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और बताएं आप सब कैसे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आपके शहर में बारिश हो रही है या नहीं? यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है। कुछ दिन पहले मम्मी से बात हो रही थी रीवा मऊगंज में, तो बता रही थी कि अभी समय धान की फसल होती है, धान की खेती मतलब धान लगाई जाती है। तो वो मतलब जो गाँव में धान लगाई गई थी सब सूख गई थी, यानी बारिश नहीं हो रही थी। और लग रहा था कि नहीं, इस बार नहीं होगी। पर दो तीन दिन से कल ही फोन आया कि अच्छी बारिश हो रही है। तो अब हर जगह बारिश हो रही है, अच्छी हो रही है। किसानों का नुकसान होने से बच गया कि जो धान की खेती लगाई गई थी, और लग बारिश ना होती अगर दो तीन दिन तो फिर फसल नष्ट थी। तो मम्मी का फोन आया तो बता रही थी कल की बारिश अच्छी होने लगी। यहाँ भी आज सुबह से तेज बारिश हो ही रही है। काम सारा हो गया है, बर्तन अभी धोकर फ्री हुई हूँ, किचन वगैरह साफ हो गया, अभी पोछा बस रह गया है। तो मैं मॉप से पोछा लगाती हूँ हमेशा, अब लेकिन मॉप से नहीं लगाऊंगी, वेट बढ़ता जा रहा है। तो बैठकर झाड़ू पोछा करना वो एक आपके लिए एक एक्सरसाइज हो जाती है, जो एक समय पे करती थी, इस समय नहीं कर रही हूँ, अब करना स्टार्ट करूंगी। और वेट गेन काफ़ी हो गया है तो इसके लिए भी एक्सरसाइज करना शुरू करूंगी, अब पर मुहूर्त अब जब से बन जाए। तो आज मैंने सोचा कि आज गर्म पानी, एकदम बिल्कुल गर्म पानी ले लेती हूँ, उसमें नमक डालती हूँ, फिर उससे पोछा लगाती हूँ। बच्चे रहते हैं तो कुछ ना कुछ गिरा दिए, खाने पीने का आइटम गिरा देते हैं तो चिपचिपा हो जाता है। इसके बाद फिर नहाऊंगी और फिर तैयारी करूँगी खाने की। वेंटिलेशन फिर भी यहाँ का इतना अच्छा है कि ये ऊपर यहाँ से इन्होंने वो लगा रखा है तो प्रकाश बहुत अच्छा आता है। किचन में भी हर जगह का वेंटिलेशन बहुत अच्छा इन्होंने बना रखा है कि दिन में लाइट ना भी रहे तो कोई ज़रूरत नहीं। सारे बर्तन धुल के मैंने अभी यहाँ रख दिए हैं, जैसे इनका पानी झड़ जाएगा तो मैं अभी इन्हें सेट कर दूँगी। लाइट आ गई तो मैं सबसे पहले गीजर की बटन ऑन कर दूँ। कल मैंने इतना ज़्यादा ऑयल लगा लिया था कि देखिए, बिल्कुल रात को मैंने अचानक मन हुआ कि ऑयल लगा लूँ और हेयर्स में। निकालते हैं अम्ब्रेला और चलते हैं बाहर। आ गई हूँ मैं छत पे और अच्छी जोरों की बारिश है। मतलब प्लांट्स अपने जो मैंने सब्जियां लगाई हैं वो देखने में तो दो तीन बार तो जरूर आती, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आप लगाओ और धीरे धीरे वो ग्रो करें, बहुत अच्छा लगता है। तो अब चलते हैं नीचे क्योंकि बारिश तेज होती जा रही है। अब आ गई हूँ मैं नीचे, अब जाऊँगी झाड़ू पोछा करके फिर नहाने जाऊँगी। तब तक मैं लगा लेती हूँ गाना। एलेक्सा, एलेक्सा स्टॉप। हाँ ठीक है, सही कह रहे। तभी मैं अभी मान मूवी कल देख रही थी, एक दिन कल नहीं देख रही थी, एक दिन देख रही थी, बहुत अच्छे उसके गाने लगे। तो अभी मैं वही अभिमान मूवी के सॉन्ग सुनूंगी और अपना काम करूंगी। Later. तो खाने में बना रही हूँ कढ़ी, और कढ़ी बनाने चली गई, लहसुन छीलना भूल गई। कढ़ी बनेगी, चावल बनेगा, रोटी दाल नहीं बना रही हूँ, दाल कोई नहीं खाता। जब कढ़ी बनती है तो फिर दाल ज्यादा नहीं खाते। तो ये बन गई है पकौड़ी, और पकौड़ी सुन के देव की पोयम याद आ गई, इतने अच्छे से वो बोलता है पकौड़ी वाली पोयम। तो मैंने तो उसका नाम ही इस समय पकौड़ी रख दिया, दिन भर इस समय उसे पकौड़ी बुलाती हूँ। तो अभी तो आने वाला होगा स्कूल से, तो फटाफट खाना बना लूं। कढ़ी का शौक लगा दिया मैंने।
जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इन्हें डालूंगी। आज दोनों बच्चे, तुम्हें ये सरप्राइज कहाँ से मिला? ये सब क्या लाए हो? आज दोनों बच्चे साथ में लाए हो? जूते वहां बिताना बेटा, ये क्या ले आए हैं? ये बॉक्स क्यों ले आए? डिब्बे क्यों ले आए? ये भी क्यों ले आए? जरूरत नहीं थी जिसकी, वो चीज ले आया। ब्लेम डाला जा रहा है कि मैंने इनका सोफा तोड़ दिया। ये बैठकर, जब आप कढ़ी बनाते हो तो कढ़ी पकने में टाइम लगता है, तो लगातार चलाते रहो और नहीं चलाते तो कढ़ी क्या होती है, उफन के बाहर आ जाती है। तो इसकी मैं ट्रिक बताती हूँ कि आप छोटी सी बाउल लेना और उसको डाल देना। अब मैंने गैस को तेज भी कर दिया, अब ये कढ़ी बॉईल होगी लेकिन ये बाहर नहीं आएगी। अब हम जाके अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं, ये कढ़ी बाहर नहीं आएगी। ये मतलब एक ट्रिक ही है जो बहुत ही यूज़फुल है। सो गाइस, अब खाना बन गया है और हम सब यहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं। अलमारी खुली है, बुक वाली। अब चलते हैं, जल्दी से खाना खाते हैं और फिर इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। खाने के बाद आ गई थी अच्छी नींद, तो सो गए थे और अभी जगी हूँ मैं थोड़ी देर पहले। और कुछ चीज़ें मंगाई थी मैंने, थोड़ा बहुत चीज़ें ख़त्म थी, ग्रॉसरी आइटम्स वो मंगाए थे, पर लाने को क्या क्या ला देते हैं मुझे भी पता नहीं रहता, और बिना नीट के ला देते हैं। जैसे ये प्लास्टिक के कंटेनर्स ले आए हैं, ये जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, बास्केट 3 सेट जिसकी मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, और ये 3 सेट ला के डिब्बे हमारे पास थे ऑलरेडी, पर बोले कि अच्छा लगा तो ला लिए। और कुछ ग्रॉसरी आइटम्स ख़त्म थे, वहीं बेसिक चावल था, मेन चावल ख़त्म था तो हमने चावल मंगाना था। वैसे तो घर से आ जाता है पर घर अभी जाना हो नहीं पाया है, और जब अभी गए थे तो कार में स्पेस नहीं था, तो घर से अब चावल जब जाएंगे तो लाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए चावल दो, मतलब एक इसमें लाए हैं और एक कहाँ गया, ये दो अलग अलग टाइप्स के चावल लाए हैं ये अभी, तो इसी में भर के रख दिए हैं। और ये प्लेट्स लाए हैं और लाए हुए हैं सबसे बच्चों की मैगी, हालांकि मैं मैगी ज़्यादा देती नहीं हूँ, पर ये है कि कभी बच्चों का फॉर अ चेंज टेस्ट के लिए। और मतलब कई चीज़ें ऐसी हो जाती है ना जो है घर में ऑलरेडी, वो भी ला देते हैं। मूंग की दाल ऑलरेडी थी, यानी छिलके वाली भी बिना छिलके वाली, तो अभी बिना छिलके वाली मूंग की दाल ला दी है। तो अभी इन सब आइटम्स को रखना है, और बारिश में ज़्यादा आइटम्स इसलिए नहीं रखती कि बहुत जल्दी नमी आ जाती है। और अभी 5 kg मूंग, ये खड़ी मूंग ला दिए हैं, और जिसको अभी धूप दिखाना है। अब मुझे लग रहा कहीं ख़राब ना हो जाए, डिब्बे में पैक करके तो रख दिया मैंने, पर उसमें धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता नहीं कैसे मैं उसे साफ़ करूँगी, यानी कैसे दरूँगी, मूंग की खड़ी दाल की दाल बनेगी मुझे नहीं पता है, पर देखेंगे क्या होगा। कल की वीडियो आपने देखी है जिसमें हरियाली थी, जब वो इस संडे से पहले वाले संडे की थी, तो किसी वजह से वीडियो लेट हो गई है। और अभी मुझे एक और इनविटेशन आया है संस्कार सुधा फाउंडेशन से, जो कि क्या सतरंगी सावन सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब देखते हो, मेरा उसी बीच बाहर जाने का चल रहा है और उसी बीच वो फंक्शन भी है, इनवाइट किया है यशस्वी ने, तो कोशिश पूरी करूंगी यशस्वी कि मैं आऊं, पर नहीं आ पाई तो मतलब बाहर अगर चली गई तो फिर नहीं आ पाऊंगी, पर कोशिश हमेशा रहेगी। संस्कार सुधा फाउंडेशन मतलब बहुत ही अच्छे फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है वहाँ सारे, और वहाँ मैंने किया था फर्स्ट टाइम जब 2 साल पहले ही किया था, उसके बाद से ऐसा हो ही नहीं पा रहा कि मैं उसमें फिर से पार्टिसिपेट कर पाऊँ। अब देखती हूँ, इस बार आते हर बार इनविटेशन आता है पर जा नहीं पा रही हूँ, कुछ ना कुछ ऐसी लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं कि जा ही नहीं पाते हैं, पर कोशिश रहेगी मैं जाऊँ। और बाकी टाइम पर डिपेंड करता है क्या कैसी सिचुएशन रहती है। मंदिर के 4 पावे थे जिसमें जो चारों तरफ लगे हुए थे, मेरा मंदिर पूरा डायरेक्ट नीचे रखा, तो मुझे इसका लोहे का स्टैंड बनवाना है।
मैं अभी वेट कर रही हूँ पांडे जी का, आने वाले हैं तो अभी मैं बाहर आ गई हूँ। बाहर अच्छी ठंडक भी हो गई है, चलते हैं। पर अभी बाहर निकलने का मन नहीं करता क्योंकि यहाँ बहुत गंदा हो रखा है। गंदा यानी मिट्टी वगैरह और कंक्रीट वगैरह है। स्कूटी एकदम साफ हो गई। सब्जी थी तो सब्जी अपने लिए अपने लिए क्या बोले अपने लिए पड़ोसियों के लिए। एक सेंटीमीटर होता है, यदि 10 मिलीमीटर है कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं पर पड़ोसी लिखा है 10 मिलीमीटर। लाइट जा चुकी है, इधर दिखाओ। अब हम दिखा के मोबाइल 1 सेंटीमीटर और अभी लाइट इतना मतलब लाइट हाँ टॉर्च जला लो, टॉर्च जला ली। मैं जा रही थी खाना बनाने तो लाइट जा चुकी है, अब देखते हैं कब तक में आती है। यहाँ बिना स्लीपर के नहीं आना। हाँ दिखा, हम देखते हैं। सो गाइस बच्चे अभी खा रहे हैं खाना और आप लोग सोच रहे होंगे दिन भर से तो टी शर्ट लोअर में थी अब साड़ी में कैसे आ गई। तभी मैंने कुछ रील सूट कुछ क्या एक दो रील ऐसे सूट कर ली है, वो भी हमारा काम रहता है। और रुकना अभी तो ब्लर आ रहा है, तो जब टाइम मिलता है तो ब्लॉग करते हैं और जब ऐसा कुछ लगा तो रील्स भी सूट कर लेते हैं। तो रील्स अभी मैंने सूट की, ये साड़ी वेयर कर ली ऐसे ही, मतलब कुछ भी नहीं ऐसे देखिए कंघी वगैरह कुछ नहीं की, ऐसे ही कहेगी लाओ रील्स बना दे तो ऐसे ही बना लिए कंघी भी नहीं करने दिए, बोले अरे ऐसे ही ठीक है। खाना कब खाएंगे? सब तारा मेहता, सब तारक मेहता के एडिक्टेड हैं। और अच्छा लगता है, ये एक ऐसा शो है कि अपन जितना देखें। बच्चे खा रहे हैं खाना और गर्मी देख रहे हैं, गर्मी कितनी ज्यादा उमस हो रही है ना। The next morning. चले गए स्कूल, अब इनके जाने का टाइम हो गया है, इनके भी स्कूल जाने का टाइम हो गया है। तो कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, बारिश नहीं रुक रही है, ये बारिश रुकेगी भी नहीं। दूसरा दिन है लगातार बारिश हो रही है नॉन स्टॉप, ये बारिश सब जगह है। पूजा कर ली है पांडे जी ने, डाइनिंग बैठ जाओ ना। अब जा रहे हैं ये अपने स्कूल, रास्ता बंद कर, इतनी बारिश हो रही है। उसको बोलो आज बारिश आ गया क्या? आ तो नहीं। बाय। मैं आंटी को देख रही हूँ, आंटी रोज में वाइपर चला रही हैं, ऐसा क्यों? चली गई ये भी ऑफिस और अब मैं जाती हूँ लगूंगी काम में। तो इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं आपसे जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।